हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बताने वाले योनो एसबीआई का यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए तो कैसे पता कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आप योनो एसबीआई ऐप में रजिस्टर करने जा रहे हैं, लॉगिन करने जा रहे हैं और दोस्तों वहां पर आपसे जो है यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन दोस्तों आपको तो यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता है, तो दोस्तों कैसे आप योनो एसबीआई ऐप का यूजर नेम और पासवर्ड को फॉरगेट करेंगे, कैसे पता करेंगे, आज इस वीडियो में बिल्कुल नया तरीका बताने वाले। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों योनो एसबीआई का यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए, फॉरगेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, जैसे गूगल को। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है ऑनलाइन एसबीआई लिखकर, जिससे यहाँ पर आप ऑनलाइन एसबीआई लिखेंगे और सर्च करेंगे तो देख सकते हैं फर्स्ट में वेबसाइट आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया https://www.onlinesbi.sbi। आपको जो इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है, जिसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल बैंकिंग और नीचे में लॉगिन का ऑप्शन है, आपको क्या करना है लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू लॉगिन का, तो आपको कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है, बट यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता है, आपको फॉरगेट करना है यानी पता करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगॉट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड, आपको क्या करना है फॉरगॉट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड का, आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है यूजर नेम को फॉरगेट करेंगे यानी पता करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम जो है पासवर्ड पता करेंगे यानी फॉरगेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फॉरगेट यूजर नेम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर CIF नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर CIF नंबर आपको डाल देना है। ये जो CIF नंबर है आपके बैंक पासबुक में लिखा होता है, उसे आपको देख करके CIF नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिलेक्ट कंट्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और फर्स्ट में यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया आ जाएगा, आपको इंडिया वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपके एसबीआई बैंक अकाउंट में रजिस्टर है यानी लिंक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिख रहा है, जिसे आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर ओटीपी नहीं जा रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंट ओटीपी आप कर सकते हैं, ओटीपी हमारा आ चुका का, जिस ओटीपी को यहाँ पे हम डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद कंफर्म का ऑप्शन है, कंफर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका यूजर नेम शो करने लगेगा और ये यूजर नेम आपको जो मैसेज में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको योनो एसबीआई का यूजर नेम पता चल गया है, इसे आपको कॉपी करके रख लेना है या फिर कहीं पर लिख कर रख लेना है। अब यहाँ पर हम योनो एसबीआई का पासवर्ड फॉरगेट करेंगे। अब यहाँ पर योनो एसबीआई का पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए आपको क्या करना है, दोबारा से गूगल को ओपन करना है और सर्च करना है ऑनलाइन एसबीआई लिखकर, जिसे आप ऑनलाइन एसबीआई लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में जो वेबसाइट आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको जो है इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, नीचे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको फॉरगॉट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, आपको जो है इसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको क्या करना है फॉरगॉट माय लॉगिन पासवर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से जो है फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए आपको क्या क्या डालना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको यूजर नेम डालने के लिए बोला जा रहा है, जो अभी आपने यूजर नेम पता किया है उस यूजर नेम को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, तो जो भी आपका एसबीआई बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर है उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर लेना है इंडिया। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपके एसबीआई बैंक में रजिस्टर है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको वही डालना है जो आपके एसबीआई बैंक
अकाउंट में दिया हुआ है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता कि कौन सा दिया हुआ है, तो जो आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है या फिर पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट इमेज दिख रहा है, जिसे आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर ओटीपी नहीं जा रहा है तो यहाँ से आप रिसेंट ओटीपी करेंगे, तो हमारा ओटीपी आ चुका है, जिस ओटीपी को यहाँ पे हम डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप एटीएम कार्ड के थ्रू पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल पासवर्ड, अगर आपको पता है तो आप उसके थ्रू पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जिसमें आपको ब्रांच विजिट करना होगा, एक्टिवेशन कोड के थ्रू पासवर्ड को फॉरगेट करना होगा। तो यहाँ पर जो सबसे आसान तरीका है वह है एटीएम कार्ड के थ्रू आप अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपका एसबीआई बैंक का जो भी एटीएम कार्ड होगा यहाँ पर शो करेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एसबीआई बैंक का दो एटीएम कार्ड है। अगर आपके पास एक ही एटीएम कार्ड होगा तो यहाँ पर आपका एक ही एटीएम कार्ड शो करेगा। अब यहाँ पर आपको जिस एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू आपको पासवर्ड को रीसेट करना है, फॉरगेट करना है, आपको जो है उस डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा एटीएम कार्ड का फर्स्ट 4 डिजिट नंबर शो कर रहा है, यहाँ पर हम मैच कर लिए। ये एटीएम कार्ड हमारे पास अवेलेबल है और ये देख सकते हैं एटीएम कार्ड जो है एक्टिव है। आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, कन्फर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम डालने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, यानी जिसके नाम से अकाउंट है। उसके बाद एटीएम कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर डाल देना है। उसके बाद जो भी आपका एटीएम कार्ड का पिन है, जिस पिन का यूज करके आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं, उस एटीएम पिन को आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक टेक्स्ट इमेज दिख रहा है, जिसे आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना है, आपको बैक वगैरह कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एक नया पेज ओपन होता है, यहाँ पर देखेंगे आपको एक नया पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं उस पासवर्ड को आपको जो है ऊपर में डाल देना है। पासवर्ड का जो लेंथ होगा मिनिमम 8 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 20 होना चाहिए। पासवर्ड आपको कुछ इस तरह से बनाना है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं जो मुझे पासवर्ड रखना है। दोस्तों जो आप पासवर्ड ऊपर न्यू लॉगिन पासवर्ड में डालेंगे उसी पासवर्ड को दोबारा से आपको जो है कन्फर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड वाले बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको क्या करना है सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा आ जाएगा योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो है नया पासवर्ड सेट हो गया है, जो भी आपने नया पासवर्ड सेट किया है। दोस्तों अब यहाँ पर आपको यूजर नेम भी मिल चुका है मैसेज में, और दोस्तों यहाँ पर आपने नया पासवर्ड भी सेट कर लिया है। अब दोस्तों आप इस यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके योनो SBI ऐप में लॉग इन कर सकते हैं। योनो SBI ऐप में लॉग इन कैसे करना होता है नया प्रोसेस 2024 में, मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया, उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।